राजनीति मुद्दा है क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन मानसिकता कितनी घटिया है जो अपने राज्य में भी अपने देश में भी हम अपनी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अब हम बिहार में रह के भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो जो हिंदुस्तान का भाषा है आज उसी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों पे इतनी बड़ी प्रतिबंध लग रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारी यूपी बिहार के लोगों की। तो मैं बस अपने जितने भी मेरे मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो इस चीज़ को आप लोग जितना चाहेंगे तो सर इस सरकार से वो सरकार बात करके और हमारी हिंदी भाषा के लोगों के लिए और अपने यूपी बिहार करके खास करके लोगों की मदद हो सके। हमारे नीतीश चाचा माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, और तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चाहेंगे तो कम से कम ये जंग जो है बंद हो जाएगी। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। तमिलनाडु में कथित बिहारियों के साथ मारपीट मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इस मामले को लेकर सरकार से आग्रह किया है। साथ में दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन जी को भी कहा है कि आप लोग सरकार में हैं और अगर आप लोग चाहेंगे तो यह मामला जो है ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही खेसारी लाल यादव जो है क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले देखिए। बस एक बात कहने आया हूँ, बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ, कलकत्ता में आया था मैं फेसबुक पे लाइव, और ये मैं किसी गाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी सिनेमा के लिए आया हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ बस सरकार से और हमारे संगीत कला से, जो हमारे तीन तीन भाई जो सांसद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश चाचा जी और तेजस्वी भैया या हमारे योगी जी, जितने भी हमारे जो हिंदी भाषा के लोग हैं जो इस पद पे हैं, कि वो सरकार से बात करके, हम लोग तो एक मनोरंजन के साधन हैं, हाँ जहाँ तक पैसे कौड़ी की बात है, अगर हमसे मदद वहाँ चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा आजीवन खड़े रहेंगे। जो हमारी सक्षमता है, जो हमारी संपूर्णता है, कि जहाँ से हम हैं वहाँ से हम हमेशा खड़ा उतरेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु में हमारे भाषा हिंदी भाषा के लिए लोगों के लिए हो रहा है, तो जो हिंदुस्तान का भाषा है आज उसी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों पे इतनी बड़ी प्रतिबंध लग रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारी यूपी बिहार के लोगों की है। तो मैं बस अपने जितने भी मेरे मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो इस चीज़ को आप लोग जितना चाहेंगे तो सर इस सरकार से वो सरकार बात करके और हमारी हिंदी भाषा के लोगों के लिए और अपने यूपी बिहार करके खास करके लोगों की मदद हो सकती है। हमारे नीतीश चाचा माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, और तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चाहेंगे तो कम से कम ये जंग जो है बंद हो जाएगी, और उसका देन कहीं ना कहीं हम सभी हैं, क्योंकि अगर रोज़गार हमारे यूपी बिहार में इतनी होती तो शायद हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय नहीं है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही रही है और होगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है, बहुत निंदनीय है, कि वो आज अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा हिंदी बोलने पे इतनी प्रतिबंध है कि आप हिंदी बोलेंगे तो शायद उसके लिए आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो मैं सबसे जो भी सरकार में है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्योंकि आज आप लोगों को भी इस जनता ने ही बनाया है और यही जनता आज पीटी जा रही है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कि जिसको हमने चुना आज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार में हुई नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो भी मदद होगी, आप लोग बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ कैसे क्या होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ विषय क्या है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सरकार में जो है वो सरकार के लोग ही जान सकते हैं और जो कानून जानते हैं। भाई हम तो एक संगीत के आदमी हैं, लेकिन हम अपने शरीर से और अपने पैसे से यही मदद कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को लगता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपना हमारा कोई नहीं है, वहाँ मेरा कोई इससे बात नहीं होती है, मैं सरकार में सरकार के हिसाब से मैं हूँ नहीं, मैं एक गायक हूँ या मैं एक एक्टर हूँ। तो
तो एक एक्टर के तौर पे मेरी पहुंच जो है वो संगीत तक ही है। और हाँ, बिहार में चीज़ें होती, यूपी में होती तो मैं समझ सकता था कि वहाँ पे मेरे अपने लोग हैं और वहाँ मैं अपनी चीज़ों को पहुँचा सकता था, लोगों का हेल्प कर सकता था। इनके इसकी दिल्ली तक, दिल्ली कलकत्ता, यहाँ भी लोग हमारे अपने हैं, मुंबई हैं, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे हम सक्षम हैं, जो वहाँ पे किसी की मदद मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे मेरे लोग नहीं हैं, जहाँ पे हम कभी गए नहीं, तो तमिलनाडु में जो भी चीज़ें हो रही है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बिहार सरकार से, यूपी की सरकार से, कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा आगे आकर अब उन भाइयों का रक्षा प्लीज़ आप सब करिए, और हमसे भी जो हो सकता है आप हमें गाइड करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिन्होंने हमें भी बनाया और आप सबको भी बनाया, ये सरकार अगर बनी है, चाहे यूपी की सरकार हो या बिहार की हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जनता के बदौलत बनी है। उन्होंने आप सबको चुना और आज वही पीटे जा रहे हैं और अपने ही देश में पीटे जा रहे हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि ये संगीत से और एक इंसानियत से बढ़ की चीज़ है, कि हमें लगता है कि एक इंसान होने के नाते हम सबको आगे आकर और इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम में है उनका हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई तेजस्वी जी, चाचा नीतीश जी, माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी बाबा, और अपने बड़े भाई मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मदद करिए अपने इस भाषा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन्होंने आप सबको बनाया, हम सबको बनाया है, इन्होंने हमें एक दायित्व दिया है, उस जगह पे पहुंचाया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान और इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसे हम आज जो भी हैं इनके बदौलत हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी एक घर का गार्जियन की तरह, अपने बेटे की तरह, जिन्होंने हमें बनाया है, हमें अपना इतना बड़ा साम्राज्य दिया है अपने भाषा के लिए, तो हमें प्लीज़ हमें करना चाहिए, हम सबको आगे आकर इस चीज़ विषय पे अगर हम छोटी छोटी प्रयास करेंगे तो शायद ये चीज़ें बच जाएगी और हमारे भाई सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए और जितना मदद हो सके हम सब एक दूसरे से मिल के करना चाहिए। हाँ, जहाँ संपर्क आपका है वहाँ आप हमें बोलिए, हम आते हैं। जहाँ संपर्क मेरा होगा वहाँ पर मैं खड़ा हूँगा और आपको बुलाऊँगा कि भैया हाँ यहाँ मदद हो सकती है, यहाँ पर हमारे से अपने लोग हैं। तो मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो मैं प्लीज़ जिसका भी संबंध है प्लीज़ आप लोग बताइए ताकि हम मदद कर सकें, हमसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। और मैं अपने सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इस कद पे हैं, पद पे हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं और जो वहाँ तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं, वो डायरेक्ट सरकार से बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी वो क्षमता है। हमारी क्षमता तो वो नहीं है कि मैं सरकार से डायरेक्ट बात करूँ, और हाँ जहाँ मेरी है क्षमता, मैं अभी अपने बड़े भाई मंत्री माननीय जितेंद्र भैया को भी मैंने कॉल किया था कि भैया आप लोग प्लीज़ इस पे, और वो बहुत सक्रिय हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग आगे कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मेरा संबंध जिससे है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे अपनी बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हैं, तो ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। और अपने देश में रह के भी अगर अपनी भाषा के बोलने पर प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, राजनीति मुद्दा है क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन मानसिकता कितनी घटिया है जो अपने राज्य में भी, अपने देश में भी हम अपनी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अब हम बिहार में रह के भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, हमारा राज्य है वो, और हम इंडिया में रह के हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। अब अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते हम क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा बोलने पर भी प्रतिबंध है, तो ये तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बट अब क्या है मुद्दा नहीं पता मुझे, ये मुद्दा क्यों उठा है, बट मुझे दुख हो रहा है। मैं दो दिन से देख रहा हूँ ये मुद्दा को कि हो सकता है सुलझ जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना ज़रूर चाहिए ताकि हम सब मिलकर बोलेंगे, हम सब मिलकर कहेंगे तो शायद ये बातें लोगों तक पहुँचे और बड़ी बड़ी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचेगी तो शायद इस पर जल्दी एक्शन होगा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, यूपी के, सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस पर, ये सीरियस है और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, तो पहले उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आप, और जो भी है आप प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये चीज़ें बाकी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचे तो शायद इस पे एक्शन बहुत जल्दी लें। तो आपने सुना कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिस तरह से हिंदी बोलने वाले लोगों को तमिलनाडु में निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने आप में
शर्मिंदा करने वाली बात है, क्योंकि जो भाषा देश की भाषा है और देश में ही बोले जाने पर अगर यह स्थिति है तो यह मामला काफी गंभीर है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति तेज है, जहां इस मामले को तमिलनाडु पुलिस जो खारिज कर रही है, उनका कहना है कि जितना भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी फर्जी है, भ्रामक खबरें जो है फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार ने अपनी तरफ से एक कमेटी को भेजा है और जो कमेटी है वो तमिलनाडु पहुँच चुकी है और वहाँ पर हालात का जायजा ले रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, तुरंत कर लें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।